हेलो इंस्पायरिंग टीचर, स्वागत है आपका डेरी वाइट्स की आरंभ सीरीज में। जैसा कि अब तक आप जान चुके हैं, आरंभ सीरीज इज अबाउट सीटे 2022 जो होने जा रहा है दिसंबर में। आज हम बात करने वाले हैं साइकोसेक्सुअल थ्योरी की। इसका रेफरेंस आपको पेपर 2 के ऑप्शंस में मिलेगा। इससे पहले जितने भी टॉपिक्स हैं सीडीपी के, वो सारे टॉपिक को अवेल करने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, जिसका नाम है सीडीपी सीरीज आरंभ सीटेट 2022। वहां पे आपको मिलेगा हर एक लेक्चर एकदम क्रिस्प तरीके से बना हुआ। साथ में मिलेगा आपको क्वेश्चन एयर सीरीज, जिसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रखे हैं, टॉपिक वाइज बता रखे हैं कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे हम इनको ब्रेक करते हैं, ऑप्शंस को कैसे फिल्टर आउट करते हैं। तो गो देयर, वॉच एवरी वीडियोस एंड बूस्ट योर परफॉर्मेंस लेवल अप। अब बात कर रहे हैं, जैसे कि हमने लास्ट पर्सनालिटी वाले में बात करी थी कि एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट थे सिगमंड फ्रूड, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया पर्सनालिटी पे, एक नया फील्ड दिया साइकोलॉजी को, दैट वाज साइको एनालिसिस। साइंटिफिक वैलिडेशंस था इनमें और पर्सनालिटी को इन्होंने बताया इट इज समथिंग अनकॉन्शियस, विच इज समथिंग दैट इज एम्बेडेड डीप विद इन, हमारे अंदर में कुछ ऐसी सी चीज है जो कोर चीज जो बदलती नहीं है, अनकॉन्शियसली सेम रहती है। पर्सनालिटी को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने स्ट्रक्चर्स भी यूज किया और उन स्ट्रक्चर्स को तीन भाग में डिवाइड किया, दैट वाज एड, ईगो, सुपर ईगो। एड वाज समथिंग ईविल, ईगो वाज समथिंग जो कि बैलेंस बना रहा है, लेकिन किसमें, सुपर ईगो और एड के बीच में बैलेंस बना रहा है ईगो। तो एड का हिसाब था कि जो चीज चाहिए मतलब अभी चाहिए, सुपर ईगो कहता था कि नहीं, अच्छे लोग इस प्रकार नहीं सोचते हैं, लेकिन ईगो कहता है कि दोनों के बातों को जो एक दूसरे में आपस लड़कट के मरने को तैयार है, ईगो माफ करना सुपर ईगो और एड, इनके बीच में समन्वय और तालमेल बनाता है, दैट इज ईगो। तो ईगो ये काम करता कैसे है, ईगो काम करता है डिफेंस मैकेनिज्म के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं और साइको एनालिसिस का जो पर्सनालिटी थ्योरी है उसको देखते हैं। सबसे ओल्डेस्ट थ्योरी, स्टेजेस बताए गए हैं कि जो पर्सनालिटी होती है वो स्टेजेस में डेवलप होती है, बट वो स्टेजेस जब बदलते हैं दैट इज सोली डिपेंडेंट ऑन प्लेजर सीकिंग, आनंद की तलाश रहती है। 5 डेवलपमेंट के स्टेजेस बताए, दैट वाज ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी एंड जेनाइटल। तो ये सारे स्टेजेस को हम पढ़ेंगे और फिर उसके बाद समझेंगे कि इसमें क्या कहा गया है। तो देखो, जो साइकोडायनेमिक थ्योरी इसको बोलते हैं, साइको एनालिटिक थ्योरी बोलते हैं और साइकोसेक्सुअल थ्योरी बोलते हैं, तीन नाम है इसका। इन्होंने बताया कि ह्यूमन के पास कैपेसिटी नहीं है, उनके पास फ्री विल नहीं है, उनका बिहेवियर और उनका कोई भी चीज प्रकार का काम करने का दैट इज ड्रिवन बाय प्लेजर, जो उनके दो इंस्टिंक्ट से काम करता है। जैसे अभी लास्ट में बात करी थी इरोस एंड थैंटोस। इरोस इज समथिंग लिबिडो, लव इंटरेस्ट के बारे में बात हो रही है, जहाँ पे वी वॉन्ट टू बी लव्ड, और हम किसी को प्यार करें या फिर कोई हमें प्यार करे, ऐसी वाली फीलिंग, दैट वाज लिबिडो, इसके बारे में, इरोस के बारे में बात हो रही थी। और दूसरा था थैंटोस, दैट इज डेथ इंस्टिंक्ट, एवरीबॉडी वांट्स टू बी रिमेम्बर्ड आफ्टर दे डाई, मरने के बाद भी लोग खुद को याद रखवाना चाहते हैं कि मुझे लोग याद करें। तो इन दोनों के बीच में हमारा जो भी डेवलपमेंट होता है पर्सनालिटी का, इसी प्रकार से होता है। तो इन्होंने जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट है वो बताया कुछ इस प्रकार, इनको लगता था कि जो एडल्ट पर्सनालिटी है वो डिटरमाइन होती है द वे वी रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द डिफरेंट स्टेजेस, उन स्टेजेस के बीच में जो कन्फ्यूजन्स आते हैं उन कन्फ्यूजन्स को कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं, और जो रियलिटी की डिमांड है उसमें कैसे हम काम कर रहे हैं, तब हमें पता चलता है और तब हमारा जो डेवलपमेंट है पर्सनालिटी का उस प्रकार होता है। तो जो उन्होंने 5 स्टेजेस बताए हैं वो कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट वन इज ओरल स्टेज, दैट इज 0 to 18 months, जहाँ पे माउथ सकिंग, बाइटिंग, च्यूइंग ये सब आता है। एनल स्टेज 18 to 36, जहाँ पे एनस और बाउल मूवमेंट, ब्लैडर कंट्रोल ये वाली चीजें आती हैं। फैलिक स्टेज 3 to 6 साल के लिए है, जहाँ पे जेनाइटल्स, मास्टरबेशन के बारे में इन्होंने बात की है। लेटेंसी 6 साल से प्यूबर्टी तक है, जहाँ पे इस सेक्सुअल फीलिंग्स को रिप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है। एंड देन लास्ट इज जेनाइटल स्टेज, जहाँ प्यूबर्टी के बाद की बात हो रही है। यहाँ पे सेक्सुअल ओरिएंटेशन प्रॉपरली अच्छे से डेवलप हो चुका है एंड द पर्सन इज एक्सप्लोरिंग देयर सेक्सुअल ओरिएंटेशन। अब बात आती है फिक्सेशन की। तो देखो, अभी हमने बात किया कि डिफेंस मैकेनिज्म है, तो फिक्सेशन एक डिफेंस मैकेनिज्म है अकॉर्डिंग टू साइकोएनालिटिकल
थ्योरी, जहाँ पे कि पर्सन रिमेन लॉक्ड इन एन अर्लियर डेवलपमेंटल स्टेज बिकॉज नीड आर अंडर और ओवर ग्रेटिफाइड, फिक्स कर रहे हैं जो नीड्स है उसको फिक्स कर रहे हैं। कैसे? तो हम इसको फिक्स कर पा रहे हैं फिक्सेशन से, डिफेंस मैकेनिज्म से। या तो किसी स्टेज में कोई भी नीड है तो या तो वो ओवरली ग्रेटिफाइड है या फिर वो अंडर ग्रेटिफाइड है, यानी बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा हो चुका है पूरा, या फिर जितना ज़रूरत है उतना भी नहीं हो पाया है। दैट इज़ कॉल्ड फिक्सेशन। तो आप भी खुद को फिक्स कीजिए, अपनी परफॉर्मेंस को फिक्स कीजिए डेलीवाइट्स के साथ। हमारा वेबसाइट दैट इज www.delivites.in। जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको कोर्सेज और मॉक टेस्ट पेपर के सेक्शन में जब आप नीचे की तरफ आओगे तब आपको मिलेगा एक सीटेड पे डेडिकेटेड टाइम जो ये बता रहा होगा कि मात्र ₹1 में आपको बहुत सारे मॉक पेपर, फुल लेंथ मॉक पेपर अवेलेबल है, साथ में आपको टॉपिक वाइज मॉक भी अवेलेबल है। तो जाइए अपने आरंभ सीरीज के हर एक लेक्चर को अच्छे से देखिए, टॉपिक वाइज मॉक लगाइए और फिर अपनी तैयारी को ब्रश कीजिए सीटेट के फुल लेंथ पेपर को लगा करके, और इसी प्रकार दिसंबर में होने वाला सीटेट को क्रैक कीजिए। अब बात आती है स्टेजेस की। तो स्टेजेस में पहला स्टेज था ओरल स्टेज, 0 to 18 months, जहाँ पे हर चीज़ को बच्चा मुंह में लगा रहा है, हर चीज़ को मुंह में लगा रहा है, चबा रहा है, काटने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे बच्चे के जो दांत सिहर रहे हैं, सिहरन हो रही है, सकिंग है, च्यूइंग है, बाइटिंग है, इस सब की वजह से वो अपना जो सेक्शुअल प्लेजर है वो सीख करने की कोशिश कर रहा है। देन वी हैव एनल स्टेज, जहाँ पे 1 to 3 years के आसपास, जहाँ पे बच्चों को पॉटी ट्रेनिंग की दी जा रही है। यहाँ पे बेसिकली जो बच्चे हैं ना वो क्या करते हैं, अपना जो सोसू है या पॉटी है उसको काफ़ी देर तक रोक करके रखते हैं, बिकॉज वेन दे डू दैट अकॉर्डिंग टू साइको एनालिटिकल थ्योरी, जब बच्चे ऐसा कुछ करते हैं तब उनको प्लेजर मिलता है, दैट इज़ वाई उनको ये चीज़ किया जाता है। एनल स्टेज को हम पहचानते हैं टॉयलेट ट्रेनिंग से, जहाँ पे बच्चों को बिल्कुल बताया जाता है कि किस प्रकार टॉयलेट या पॉटी जो भी चीज़ है इस प्रकार की कैसे हम रिलीज आउट करते हैं। देन वी हैव फेलिक स्टेज, 3 to 6 साल की उम्र, जहाँ पे एक वर्ड है फेलस, उससे ये स्टेज आई हुई है। ड्यूरिंग दिस स्टेज जो प्लेजर है वो फोकस्ड होता है बच्चों के जेनिटल पे, वो खुद के जेनिटल्स को बार बार टच करते हैं जिससे कि उनको समझ आता है कि व्हाट दे फील फॉर इट। एंड देन इस स्टेज को पहचानने का एक और तरीका है, दैट इज ओडिपस कॉम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ओडिपस कॉम्प्लेक्स इज सिंपली कि जो मेल चाइल्ड है वो फीमेल चाइल्ड, माफ करना, जो मेल चाइल्ड है वो अपनी मदर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होता है, वेयर एज जो फीमेल चाइल्ड है वो अपने फादर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होती है। दैट इज़ फादर की तरफ अट्रैक्ट होने वाला इज इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और मदर की तरफ अट्रैक्ट होने वाला इज ओडिपस कॉम्प्लेक्स। इसके पीछे ग्रीक स्टोरी है कि देयर वाज दिस पर्सन हु वाज इन लव विद हिज मदर, उसकी वजह से वो पापा को देखना नहीं चाहता था। अकॉर्डिंग टू हिम हिज फादर वॉज वन ऑफ द बैरियर्स बिटवीन हिम एंड हिज मदर, तो उसने अपनी माँ, अपने बाप को मार दिया ताकि वो अपनी माँ से मिल सके, वो रोमांटिसिज्म वाली जो फीलिंग है। तो इस चीज़ को उठा करके साइको एनालिटिकल थियोरिस्ट दैट इज सिगमंड फ्रूड ने ओडिपस कॉम्प्लेक्स बनाया, और इसी का एक वर्जन और है दैट इज इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे कि फीमेल जो है अपने पापा की तरफ बहुत अट्रैक्टेड होती है और वो अपनी मदर को एज बैरियर समझती है, एज वॉल समझती है, जिसकी वजह से वो माँ को हटाना चाहती है बीच में से। तो दिस इज वॉट कॉम्प्लेक्सेज आर। तो देखो ये सारे कॉम्प्लेक्सेज होते हैं जो थर्ड स्टेज में, फेलस स्टेज में पाए जाते हैं। अब लेटेंसी स्टेज आते आते तक बच्चे को ये समझ जाता है कि भाई उसने ये जो सोच रखा था ना कि माँ गलत और पापा गलत, ऐसा कुछ वो उसको लगने लगता है गलत, उसको समझ आ जाता है कि ये चीज़ जो है वो गलत है, ये इस तरीके से काम नहीं करती है। तो बच्चा अपना एनर्जी जो होता है वो दूसरी तरफ चैनलाइज करने लगता है, और ये एक स्टेज होती है जहाँ पे बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, उनकी एकेडमिक और सोशल लाइफ बन रही होती है धीरे धीरे, तो वो अपनी एनर्जी को वहाँ लेके चले जाते हैं, क्योंकि अंदर में दिमाग में जो ये स्ट्रेसफुल कंडीशन से फैले के स्टेज में वो गुजरे हैं उनको वो ठीक करने की, ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। एंड देन लास्ट 5th स्टेज इज जेनिटल स्टेज,
जहाँ पे कि साइकोसेक्सुअल थ्योरी डेवलपमेंट के अनुसार इसके बाद प्यूबर्टी ऑनवर्ड्स यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे सेक्सुअल री अवेकनिंग होता है। फेलिक स्टेज में था, लेटेंसी में गायब हो गया, एंड देन जेनाइटल में वो री अवेकन हो गया, जहाँ पे कि एक्चुअली समझ में आ रहा है कि सेक्सुअल प्लेजर मिलेगा कहाँ से, और ये चीज़ आउटसाइड फैमिली मिलेगा, तो वो एक इंटीमेट रिलेशनशिप भी हो शुरू हो जाती है। तो अभी तक हमने साइकोसेक्सुअल थ्योरी में 5 स्टेजेस पढ़े हैं, दैट इज फर्स्ट स्टेज ओरल, देन वी हैव एनल, देन वी हैव फेलिक, लेटेंसी स्टेज, एंड लास्टली जेनाइटल स्टेज, जहाँ पे कि सेक्सुअल इंटरेस्ट जो है मैच्योर हो चुके हैं, समझ आ रहा है कि कैसे बिहेव करना है। दिस इज स्टेजेस। अब जो स्टेजेस के अकॉर्डिंग क्या क्या हुआ, तो ओरल स्टेज में जो बच्चे हैं उनका प्लेजर ड्रिवन करने का तरीका है सकिंग, टेस्टिंग, बाइटिंग। एनल स्टेज में बच्चों को पॉटी ट्रेनिंग दी जा रही है। फेलिक स्टेज में बॉयज आर मोर अट्रैक्टेड टू देयर मदर्स, वाइल गर्ल्स आर मोर अटैच्ड टू देयर फादर्स। लेटेंसी स्टेज में वो अपना ये जो फेलिक स्टेज में जो स्ट्रेस था ये अब दूर हो चुका है, तो इस स्टेज में आते आते ज़्यादातर टाइम अपने सेम सेक्स के पीयर्स के साथ बिताते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, बातें करते हैं, अपने एकेडमिक जो भी प्रोसेस है वो ठीक ठाक करने की कोशिश करते हैं। एंड देन जेनाइटल स्टेज, जहाँ पे ऑपोजिट सेक्स की तरफ आउटसाइड फैमिली लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो दिस वॉज द स्टेजेस। अब इसमें अचीव क्या हो रहा है, तो ओरल स्टेज में ट्रस्ट और कंफर्ट सीक किया जा रहा है, एनल स्टेज में सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट, इंडिपेंडेंस आ रहा है, फेलिक स्टेज में आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं सेम सेक्स और ऑपोजिट सेक्स पेरेंट को, लेटेंसी स्टेज में सोशल इंटरेक्शंस बढ़ रहे हैं, और फेलिक स्टेज में जो ये आपस में खुद में टेंशन थी ना कि माँ गलत या पापा गलत हो रहे हैं, वो खुद को जो पेरेंट को बैरियर मान रहे हैं, इस चीज़ की समझ आ जाती है कि दे आर नॉट बैरियर्स, तो अब वो खुद में पछतावा हो रहा है ऐसा कुछ चल रहा है। एंड देन वी हैव जेनाइटल स्टेज, जहाँ सेक्सुअल इंटरेस्ट बढ़ चुका है, अवेयर है कि किस प्रकार हमारे इंटरेस्ट को हम फुलफिल कर सकते हैं। तो कैसे फिक्स किया जाता है, तो ओरल स्टेज में स्मोकिंग, गम च्यूइंग, नेल बाइटिंग, ये सारी चीज़ें हैं। एनल फिक्सेशन में ऑर्डरलीनेस, ऑब्सेसिवनेस, रिजिडिटी कि हम नहीं करना, हमें ये नहीं करना, वो नहीं करना, इस प्रकार की चीज़ें। और फेलिक स्टेज में प्राइड, वैनिटी, खुद को शो ऑफ करके दिखाना, ये सारी चीज़ों के प्रति, इन सारी चीज़ों से फिक्स किया जाता है उस स्टेज के स्ट्रेस को। और अब बात करते हैं हम फाइनली क्रिटिसिज्म की। तो देखो कोई भी थ्योरी है उसका क्रिटिसिज्म होता ही होता है, ये भी क्रिटिसिज्म है। इसमें भी सबसे पहला चीज़ है कि डेवलपमेंटल थ्योरी है, लेकिन इसमें कोई स्टडीज़ नहीं है बच्चों के ऊपर, बात उन्हीं के बारे में हो रही है पर उनके ऊपर कोई स्टडी नहीं किया गया है। इन्होंने ये बताया है कि फर्स्ट 5 ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज फ्रॉइड बिलीव्ड। फ्रूड के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट 5 ईयर्स होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ पहले 5 साल बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। सोशल ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस को इन्होंने इग्नोर कर दिया, इन्होंने सेक्सुअलिटी को सिर्फ प्लेजर का माध्यम बताया, लेकिन सेक्सुअलिटी इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना इन्होंने बताया कि हर लेवल पे सिर्फ यहाँ पे बात सेक्सुअल प्लेजर्स की हो रही है कि कैसे प्लेजर सीख किया जा रहा है। तो ये सिर्फ इस बारे में नहीं है, पर्सनैलिटी इज वे मोर देन दिस ऑल थिंग्स। इन्होंने जो बात कही ठीक थी, बट उसका साइंटिफिक प्रूफ इनके पास मौजूद नहीं था। तो ये सारे हो गए क्रिटिसिज्म, एंड दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज टीचर एजुकेशन रिसोर्स ग्रुप, उससे जुड़ सकते हैं और नए वीडियोस के अपडेट प्राप्त करना, साथ में कोई भी सीटेट टेस्टेड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो भी प्राप्त करना आप यहाँ पे जाके एकदम कर सकते हैं। साथ में कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं, एंड द हैंडल इज जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ यू। जाएं, जुड़ें, और कोई डाउट कोई क्वेरी है तो पूछें। आई विल बी देयर हेल्पिंग यू आउट। अंटिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड टू डेली वाइट, टू फॉलो आरंभ सीरीज। गॉड ब्लेस यू।